पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने एक ट्वीट की वजह से विवादों में घिर गए हैं। दिग्विजय सिंह ने संघ के पूर्व सह संचालक माधव व सदाशिव गोलवलकर को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सदाशिव राव ने अपनी पुस्तक में धनी लोगों को और धनी बनाने और गरीब जनता को भिखारी बनाने की बात लिखी। अब दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदुत्व का अपमान करना दिग्विजय सिंह की आदत है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें लिखा था कि सदाशिवराव गुलवलकर ने अपनी पुस्तक वी एंड अवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड में स्पष्ट लिखा है कि जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल अपने दो तीन विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दें और 95% जनता को भिखारी बना दें। उसके बाद 7 जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। इसके साथ ही इस पोस्ट में लिखा था कि मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती हो, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। अब दिग्विजय सिंह की पोस्ट का जवाब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिया। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह मुस्लिम चाटुकारिता के पागलपन की हद से गुजर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कांग्रेस के किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सदाशिवराव गोलवलकर के बारे में दिग्विजय सिंह तो क्या उनके अब्बा भी ढंग से नहीं जानते। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि संघ को जानने के लिए दिग्विजय सिंह को 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। देखिए, दिग्विजय सिंह तो जो है मुस्लिम चाटुकारिता के पागलपंत की हद से गुजर रहे हैं। दिग्विजय सिंह को लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्वहिंदू परिषद, इस देश के सनातन धर्म आचार्य या जो भारत भूमि की बात करते हैं या हिंदुत्व की जो बात करते हैं या राम की जो बात करते हैं उनको अपमानित करो। अरे दिग्विजय सिंह महाराज, जरा बताओ कौन सी पुस्तक में लिखा है? कांग्रेस अपने निकम्बेपन को छुपाने के लिए कोई भी पुस्तक छापे और उसमें कुछ तो भी गलत सलत लिख दे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कांग्रेस की किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। परम पूजनीय गुरु जी के बारे में दिग्विजय सिंह जी, तुम्हारे क्या तुम्हारे अब्बा भी ढंग से नहीं जानते? गुरु जी जी जो है बहुत सिद्ध और संत पुरुष थे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।